हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की बगिया में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारे गार्डन में इस समय बहुत ही अच्छी तरह से ब्लूमिंग पे है और इसमें बहुत ही गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं इसके बड़े ही प्यारे फूल होते हैं और इसमें भीनी भीनी खुशबू भी होती है। और मैं बताऊँगी आज कि ये कौन सा फ्लावर प्लांट है और मैं इसको नर्सरी से लाई थी, तो मैंने कब इसको लगाया था और कैसे इसकी केयर की है कि इसमें इतने अच्छे फूल आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ इसके बारे में। और आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं कि मैंने इसकी केयर कैसे की है। मैं इसको 3 साल पहले नर्सरी से लेकर आई थी और जब लाई थी तो ये प्लांट बहुत ही छोटा था और नर्सरी में मुझे ये ऐसा एक प्लांट दिखा था जो मेरे पास नहीं था। और उस समय मैंने पूछा नर्सरी वाले भैया से कि ये कौन सा फ्लावर प्लांट है, तो इसमें फूल नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने मुझे इसका नाम कुंद बताया था कि ये कुंद का फ्लावर प्लांट है। तो मेरे पास था नहीं, इसलिए से मैंने सोचा कि चलिए कुछ नया लेते हैं। और लेने के बाद मैंने इस प्लांट को ले लिया था और ले करके मैं आई और मैंने अपने गार्डन में इसको ऐड किया। और इसको लगाने के लिए कुछ खास नहीं है और मैंने तो इसको सिंपल ही ऐसे लगाया था जैसे कि मैं अपने और भी फ्लावर प्लांट को लगाती हूँ। मिट्टी, रेत और गोबर की पुरानी खाद तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इस प्लांट को लगाया था। और देखिए, ये मैंने मिट्टी के पॉट में लगाया हुआ है और इसमें इसकी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। आप देख सकते हैं, ये हमारा एक मिट्टी का पॉट है और इसी में मैंने इसको लगाया था। और ये कटिंग से भी बहुत ईजली लग जाते हैं और इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस थी, मैंने कुछ दिन पहले कट किया था और कट करने के बाद में उसको भी साइड में मैंने लगाया था और देखिए वो भी लग गई है। तो ये कुंद का प्लांट कटिंग से भी बहुत ईजली लग सकता है। यदि आपको कहीं मिलता है तो आप इसकी कटिंग ला करके लगा लें तो आपके गार्डन में वो अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और लगाने के लिए जैसा कि मैंने बताया है, आप सिंपल में ही इसको लगा सकते हैं, कोई इसकी कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती है। बहुत ही लो मेंटेनेंस व इजी प्लांट है, आप इसको ज़रूर लगाइएगा। लगाने के लिए जैसा मैं बता चुकी हूँ, मिट्टी, रेत और गोबर की खाद होनी चाहिए। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करिए, मिक्स करके पॉट में लगा सकते हैं। किसी भी पॉट में लगाएं, उससे नहीं कोई मतलब है, लेकिन पॉट का ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए ताकि आपका प्लांट ग्रोथ पे रहे। और आप इसको लगाने के बाद थोड़ा फुल सन में रखिए। और मैंने तो इसको अपने टेरेस पर ही रखा हुआ है, ये गर्मी, सर्दी और बरसात सभी दिनों में यहाँ पर रहते हैं। और देखिए, इतना हार्डी प्लांट है कि इसको कुछ भी नहीं होता है, बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होती है और इसमें समय समय से फूल आते रहते हैं। और इसके फ्लावरिंग का समय है ये थोड़ा मार्च के बाद, अप्रैल में ये अपनी फ्लावरिंग करते हैं और अप्रैल के बाद में ये इस सीज़न में जनवरी में फ्लावरिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये साल में 2 बार फ्लावरिंग करते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको जब भी ग्रोथ पीरियड हो तो आप इसकी थोड़ी सी केयर कर दें तो ये आपके गार्डन में हमेशा ही बने रहेंगे जो कुंद के फूल हैं। जब भी इस प्लांट से फ्लावर आकर चले जाएं तो आप चाहें तो इसको थोड़ी सी कटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस जो इधर उधर लटक रही हैं, आप उसको थोड़ा प्रून कर सकते हैं। और जैसा कि जो भी है, लंबी ब्रांचेस हैं तो उसी में ही इसमें बड बनती है और फ्लावर आते हैं। लेकिन फ्लावर आने के बाद यदि आप चाहें तो आप इसको प्रून कर सकते हैं, लेकिन आप प्रून नहीं भी करेंगे तो भी इसके ग्रोथ पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये उन्हीं लंबी ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग करते हैं। अगर आप कोई प्लांट लगाने के बाद आप इसको कहीं शेड में रख देते हैं तो ये इतनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं करेंगे। इनको थोड़ा सा सनलाइट में आप रखिए तभी इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। और ग्रोथ पीरियड इसका नवंबर में स्टार्ट हो जाता है, तो अभी जैसे कि जनवरी में ये फ्लावरिंग कर रहे हैं और नवंबर में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। उन दिनों आप चाहें तो इसको थोड़ा किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, खाद वगैरह दे सकते हैं, गोबर की खाद है तो बेस्ट है, और नहीं तो आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैंने इसमें 2-4 दाने DAP के डाले हुए थे। इसके ग्रोथ पीरियड जब स्टार्ट हुई थी और आप देख सकते हैं इसकी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। बस केवल इसके समय समय से आप पानी का ध्यान रखें तो ये प्लांट आपका बहुत अच्छी तरह से बना रहेगा।
ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और सफ़ेद कलर इसके फूल होने की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और पेस्ट की बात करें तो इसमें पेस्ट तो आज तक मैंने देखे नहीं हैं, इसमें किसी भी तरह के कोई पेस्ट नहीं लगते हैं। और इसमें यही एक अच्छी बात है कि इसमें पेस्ट नहीं लगते हैं और इसकी कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती है। केवल इसके ग्रोथ पीरियड में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेंगे। इसको लगाने के लिए कुछ खास नहीं है, बस यदि आप अपने गार्डन में प्लांट्स लगाते हैं तो आपको पता होगा कि आप किसी भी प्लांट को जब लगाएंगे तो उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। और जो भी है मैंने बताया हुआ है कि मैंने इसको कैसे लगाया है। थोड़ी सी आप इसको सनलाइट दें, पॉट का सिलेक्शन अच्छा करें प्लांट के हिसाब से, और आप चाहें तो इसमें समय समय से खाद वगैरह दे सकते हैं। और पेस्ट तो इसमें किसी तरह के लगते नहीं हैं, और आप चाहें तो नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको कटिंग से भी बहुत इजीली लगा सकते हैं। ये कटिंग से लगने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो फ्रेंड्स, ये कुंद के फूल हैं और मेरे गार्डन में इस समय ये फ्लावरिंग कर रहे थे, इसलिए से मैंने आपको ये दिखाया है और वीडियो के थ्रू आपसे शेयर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।